हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई सिलेक्शन फेज 12 वाले कैंडिडेट्स जो आने हैं स्टूडेंट्स सिलेक्टेड, तो आई होप आप लोगों ने अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं स्क्रूटनी के, जिस भी पोस्ट पे आप सेलेक्ट हुए हैं, अच्छे से आप लोगों ने अपलोड कर दिए होंगे। क्योंकि आपको पता है आज 23 तारीख है और कल आपकी 24 सेप्टेम्बर लास्ट डेट दी गई है, तो लास्ट डेट से पहले आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स सेंड करने हैं, अपलोड करने हैं। तो बिल्कुल भी, जैसे कि मैंने बताया कि आप लोग लास्ट डेट का डेट मत किया करिए, जिससे टेक्निकल इशू हो जाता है या कुछ सर्वर इशू हो जाता है। तो आप लोग फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स अभी भी अगर किसी ने नहीं करे हैं तो आज ही कर दीजिए, कल का बिल्कुल भी वेट मत करिए, 24 तारीख कल की लास्ट डेट है। देखिए, और फेज़ 11 का जो आपका कुछ पोस्ट का जो रिजल्ट आया था कि स्क्रूटनी के जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने भेजे थे, उसमें किस तरीके से बच्चों को रिजेक्ट किया जाता है, क्या रीजंस होते हैं रिजेक्ट के, वो हम लोग देखने वाले हैं आज की वीडियो में, जिससे आपको पता लगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें कैसे क्या करने हैं और हमारा किस वजह से रिजेक्ट हो सकता है स्क्रूटनी में जो भी आपने डॉक्यूमेंट सेंड करे हैं। तो कुछ हम लोग रिजल्ट यहाँ पर देखते हैं स्क्रूटनी के, जो भी डॉक्यूमेंट्स आए हैं उसके बेसिस पे आपको पता लगेगा कि आपका अगर रिजेक्ट हुआ है तो वो किस वजह से हो सकता है, कि आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करे हैं। तो अगर सारी चीज़ें सही है तो अच्छी बात है, अगर इनमें से कोई भी रीज़न आपके पास है तो वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखते हैं, साइड में मैं लगाती चली जा रही हूँ। यहाँ पर नॉर्दर्न रीजन का है, ये देखिए कि फाइनल रिजेक्शन लिस्ट आई है 3 कैंडिडेट्स की। ठीक है, जिसमें बताया गया है कौन से यूआर के हैं, एससी एसटी का है या नहीं है, ओबीसी का नहीं है कोई। ठीक है, तो वैकेंसी फॉर द पोस्ट ऑफ चार्जमैन की थी और ये NR 2923, ये जो पोस्ट कोड है इसका आपका रिजेक्शन की लिस्ट आई है फेज 11 की। यहाँ पर क्या बताया गया है, इस पोस्ट के लिए जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन थी वो क्या थी, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और ग्रेजुएट डिग्री इन साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इन दोनों में से कोई एक आपका होना चाहिए। ठीक है, फिर लिस्ट ऑफ द कैंडिडेट हु आर नॉट शॉर्टलिस्टेड फॉर फर्दर स्टेजेस ऑफ रिक्रूटमेंट ओइंग टू नॉट पजेसिंग रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं है उनके पास, या एज, डॉक्यूमेंट, कास्ट सर्टिफिकेट, उसके अकॉर्डिंग ये 3 लोग जो है उनको रिजेक्ट किया गया है। तो देखिए, नेम वगैरह सारी चीज़ें दे रखी हैं, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन, नेम, DOB, कैटेगरी इनकी क्या है, EEWS है, SC है, UR है, एलिजिबल हैं या नॉट एलिजिबल हैं, तो सभी में वही नॉट एलिजिबल। और रिमार्क्स क्या है, मतलब इनका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि नॉट मीटिंग एजुकेशन क्वालिफिकेशंस। ठीक है, कि मतलब जो भी इन्होंने जो क्वालिफिकेशंस आपकी मांगी हैं, तीनों का एक ही रीज़न है कि तीनों की मतलब जो भी क्वालिफिकेशंस आपकी हैं वो आपकी प्रॉपर नहीं है। यानी कि इन्होंने जो भी, काफ़ी बच्चे यही मिस्टेक करते हैं फेज 12 में, उनको उन्होंने पोस्ट कोड सेलेक्ट कर दी, भले ही वो उस क्वालिफिकेशन को कर भी पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, क्वालिफिकेशंस उनके पास हैं भी या नहीं है, लेकिन उनको पोस्ट कोड भरनी है। इतना देखते नहीं है वो लोग कि पोस्ट कोड में क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, किसी में स्किल टेस्ट होता है, किसी में एक्सपीरियंस होता है, किसी में ड्राइविंग लाइसेंस मांगा जाता है। फिर जब उनका उस पोस्ट कोड में सेलेक्शन हो जाता है, फिर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि मेरे पास तो ये था नहीं, लो एक मौका था मेरे पास जॉब का, वो नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, वही होता है कि जब भी आप बहुत ही कोई भी फॉर्म फिल करें उसके बारे में अच्छे से आपको सारी डिटेल्स पता होनी चाहिए, हमारी क्या क्वालिफिकेशंस है, क्या एज, हम एज हमारी उसमें आ रही है नहीं आ रही है, सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो 3 बच्चे हैं, इन्होंने ऐसे ही पोस्ट कोड को सेलेक्ट कर दिया होगा, जिसकी वजह से इनके पास ये ना तो डिग्री थी, जो भी इन्होंने ये भी मांगा है डिप्लोमा भी नहीं था ना डिग्री थी, जिसकी वजह से इनका कैंडिडेचर रिजेक्ट कर दिया। तो एक ही रीज़न कि अगर आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशंस अप्रोप्रिएट नहीं है उस पोस्ट कोड के लिए, तो आपको रिजेक्ट किया जा सकता है स्क्रूटनी में। तो अभी भी आप लोग देख लीजिए कि भाई आपने जिस पोस्ट के आप सेलेक्ट हुए हैं उसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, अगर आपके पास वो डिप्लोमा है, डिग्री है, तो आप करिए, वरना कोई फ़ायदा नहीं है आपको अपने डॉक्यूमेंट्स फेक अपलोड करने का, या कुछ भी आप उसमें डिग्री अपलोड कर रहे हैं, मांगी कुछ गई है कुछ अपलोड कर रहे हैं, तो वो आपका रिजेक्ट ही होने वाला है। ठीक है, तो ये एक रीज़न आपका हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये भी आपका नॉर्दर्न रीजन का, ये 15723 ये पोस्ट कोड का आपका रिजल्ट है। इसमें आपकी मास्टर्स डिग्री इन एंथ्रोपोलॉजी ऑफ अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी मांगा गया था आपका। ठीक है, ये आपका मांगा गया था और मोर देन 50% पेपर इन कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी इन फाइनल ईयर एग्जामिनेशन, ये चीज़ें आपकी होनी चाहिए। तो वही कि इन कितने बच्चे, देखिए कम से कम 14 बच्चों को इस पोस्ट के लिए रिजेक्ट किया गया है, कैटेगरी वगैरह वो सारी चीज़ें दे रखी हैं। सेम वही स्टेटस ऑफ स्क्रूटनी क्या रहा है कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इज नॉट रेलेवेंट फील्ड, मतलब वही जो भी इन्होंने मास्टर डिग्री मांगी है एंथ्रोपोलॉजी में, तो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन उन मैच नहीं हुई है जो भी उन्होंने मांगी है उस फील्ड से, एक तो ये रीज़न है। नेक्स्ट 6th वाले पॉइंट से दूसरा रीज़न है कि एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट,
कि जो भी आपकी ड्यू डेट थी, जैसे कि अभी हमारी ड्यू डेट क्या है, ये 24 सितंबर, तो 24 सितंबर तक उनको अपनी एप्लीकेशन नहीं मिली। आपको पता है अभी तक आपका क्या हो रहा था, हार्ड कॉपी में जा रहे थे सारे डॉक्यूमेंट्स, हार्ड कॉपी में भेजने थे, अभी क्या हो रहा है आपका ऑनलाइन आपको सेंड करने हैं, ऑनलाइन अपलोड करने अपने डॉक्यूमेंट्स। तो इनके पास जो है वो जो एप्लीकेशन है वो ड्यू डेट तक नहीं पहुंच पाई, या तो आप उसको सेंड करने में आपको जो बाय पोस्ट है भेजने में देर हो गई, या बाय पोस्ट पहुंच नहीं पाया उतने उनके पास, या आप ही की तरफ से लेट हो गया, तो वो ही लिखा है कि ड्यू डेट तक आपके एप्लीकेशन जो है वो रिसीव नहीं हुई है, जिसकी वजह से आपके जो डॉक्यूमेंट मतलब जो स्क्रूटनी का जो रिजल्ट आया आपका, उसमें आपको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो वही मैं हमेशा कहती हूँ कि लास्ट डेट का वेट मत किया करिए, अब तो ऑनलाइन है, इधर से आपने अपलोड कर दिए तुरंत डॉक्यूमेंट्स। अगर बाय पोस्ट होता है उसमें काफ़ी दिक्कत हो जाती है, जैसे कि टाइम का तुरंत भेजना होता है तभी पहुँच पाया, अगर आपने लेट कर दिया तो नहीं पहुँच पाता है। तो वही कि अभी भी नहीं अगर आपने करें हैं तो फटाफट से कर दीजिए, क्योंकि ये भी एक रीज़न होता है, अगर आप टाइमली नहीं भेजेंगे जो भी उन्होंने टाइम दे रखा है, जो भी डेट दे रखी है, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए काफी रीजन इसका, एप्लीकेशन नॉट रिसीव कितने सारे बच्चों का है, और एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस फील्ड की नहीं है, नॉट रेलेवेंट। ठीक है, इसी तरीके से और देख लेते हैं हम लोग, ये कौन सा है, ये भी NR 14323 पोस्ट है, जिसमें आपका 12th पास मांगा गया था और सर्टिफिकेट लाइब्रेरी साइंस में मांगा गया था। ठीक है, तो इसमें भी देखिए आपके कितने लगभग कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है, वही नॉट एलिजिबल है, 56 लगभग कैंडिडेट्स इसमें दे रखे हैं, तो नॉट एलिजिबल। और रिमार्क्स में क्या दे रखा है, नो सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, वही कि बच्चों को नहीं पता होता भाई, पोस्ट बिना देखे भर देते हैं, और जब सिलेक्शन होता है तो वो स्क्रूटनी में जो उनके पास डॉक्यूमेंट होता है वो सेंड कर देते हैं, तो एप्रोप्रिएट हो नहीं पाते हैं, और उनको फिर क्या होता है, रिजेक्शन मिल जाता है। तो इन सब से बचने के लिए जब भी कोई फॉर्म आए, स्पेशली फेस 12 में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हर पोस्ट में अलग अलग चीज़ें आपकी मांगी जाती हैं। तो देखिए इनको किस वजह से रिजेक्ट किया गया है, कि इनके पास सर्टिफिकेट नहीं था लाइब्रेरी साइंस का, वही काफ़ी बच्चे हैं कि नो सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस, फिर एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, जैसा कि अभी हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसमें भी सेम यही दो आपके दिखा रहे हैं, कि ये दो जो रीज़न है यही सभी में आपके दिखा रहे हैं कि नो सर्टिफिकेट, काफ़ी बच्चों के पास सर्टिफिकेट नहीं था जिसकी वजह से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया है। तो मैं इसलिए ये आपको बता रही हूँ कि अगर आप लोगों का भी इसी तरीके से है कि आपके पास कोई जिस पोस्ट पे आप सेलेक्ट हुए हैं उस पर आपका सर्टिफिकेट नहीं है या कोई डिग्री नहीं है, तो ये रीज़न आपके हो सकते हैं स्क्रूटनी में रिजेक्शन के। ठीक है, तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे। अभी भी देख लीजिए, अगर आपके पास नहीं है तो आपको अपलोड करने की कोई भी गलत सर्टिफिकेट अपलोड करने की नीड नहीं है। ठीक है, इसी तरीके से एक और ये हम लोग देख लेते हैं, NR 24023 का, जिसमें भी आपका बताया गया है कि बैचलर डिग्री साइंस विद जूलॉजी में आपकी मांगी गई थी, तो सर्टिफिकेट नॉट अवेलेबल विद डोजियर, मतलब आपने सर्टिफिकेट नहीं भेजा, और भी कुछ उनके डॉक्यूमेंट्स होंगे जो नहीं पहुंचे हैं, और एप्लीकेशन नॉट रिसीव्ड ऑन और बिफोर ड्यू डेट, वही आपकी जो डेट थी उस पर आपका नहीं भेजा गया है एप्लीकेशन, मतलब उनके पास नहीं पहुंच पाई है। ठीक है, हाँ, तो ये आपके कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से आपको स्क्रूटनी में रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। वही कि अगर आप क्या करते हैं, जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस मांगी गई हैं वो आपके पास नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, या किसी जैसे लाइब्रेरी वाला था वो सर्टिफिकेट नहीं है किसी पोस्ट में मांगा गया है, या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, या आप 24 तारीख तक अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं कर पाते हैं, तो आपको रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये आपका फेज 11 का कुछ पोस्ट का आपका रिजल्ट था NR रीजन का। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, बाकी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच पाए कि भाई क्या रीज़न हो सकते हैं आपके रिजेक्शन के स्क्रूटनी में। ठीक है, और बाकी अगर आपको कोई डाउट है, अगर आपका कोई डाउट क्लियर नहीं हो पाया है, आपको कॉल पर मुझसे क्वेरी पूछनी है, डाउट पूछना है, तो ये नंबर है और ये स्कैनर है, इस पर आपको 100 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी पेड कंसल्टेंसी रहती है। अगर आपको कॉल पर डायरेक्ट मुझसे बात करनी है तो आप 100 रुपीज पे कर दीजिएगा और स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा, डायरेक्ट मैं आपको कॉल कर लूँगी, ट्राई करूँगी कि आपका जो डाउट है उसे क्लियर कर पाऊँ। और मैं एक टीचर के साथ साथ अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपका अगर कोई वर्क रहता है, ITR, PF, GST, लोन, MSME, कोई भी आपका वर्क रहता है तो आप लोग करवा सकते हैं, उसके लिए भी यही कॉन्टैक्ट नंबर है। मेरी पूरी टीम है अकाउंटेंट्स की, तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस में आपके सारे वर्क हो जाएंगे। और आप लोग सिलेक्शन फेज के जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें ऐड हो जाइएगा, काफ़ी बच्चे वहाँ पर ऐड भी हैं, वहाँ पर भी आपको अपडेट मिलती रहेगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। फटाफट से डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दीजिए, आज और कल का बस दिन आपके पास बचा है। तो ऑल द बेस्ट सभी को, तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।